हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। सो हर संडे की तरह आज भी मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इसमें हम सीखेंगे कि डबल वीलुकअप कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए यार, आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डबल वीलुकअप कैसे यूज़ करते हैं और उसके साथ मैच फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। और देखिए, जो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा उसे भी आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। सो सीधा अपने डेटा की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल वन है और एक टेबल टू है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्प्लॉयज की आईडी लिख दी है, नेम लिख दिया है और उनका एज लिख दिया है। उसी तरीके से टेबल टू में उन्हीं का नाम, उनसे रिलेटेड सैलरी और उनकी लोकेशन लिख दी है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो नेम है वही नेम यहाँ पे भी है, तो ये डेटा इससे मैच करता हुआ है। ठीक है, और नीचे अगर मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं जो भी आईडी यहाँ पे डालूँ उसकी सैलरी मुझे यहाँ पे फैच होके दिख जाए। ओके, तो इस तरीके से मुझे कुछ फॉर्मूला लिखना है। तो अब क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, मुझे इस आईडी से इस सैलरी को निकालना है, यानी कि इस आईडी से मुझे सैलरी तक अगर पहुँचना है तो मुझे नेम की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नेम दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस आईडी से इस नेम को निकालेंगे पहले वीलुकअप में, और दूसरे वीलुकअप में हम क्या करेंगे, इस नेम के थ्रू हम इस सैलरी तक पहुंचेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि मैच का फॉर्मूला कैसे यूज होता है और उस फॉर्मूले को थोड़ा एडवांस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहला वीलुकअप लगाते हैं जिसमें हम आईडी से नेम फेच करेंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स देखते हैं, इक्वल टू वीलुकअप। तो देखिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके लिए हम डेटा देखते हैं, तो वो है आईडी। तो मैं ये आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं, और कॉमा। टेबल अरे, टेबल एरिया वो होता है जहां से हम डेटाबेस को फेच करेंगे। तो इस डेटाबेस में से हमें नेम फेच करना है, तो हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, और कॉमा। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए, इंडेक्स नंबर जिस के रेफरेंस से हमें वैल्यू उठानी होती है तो उनका हम डिफरेंस काउंट करते हैं, कि जैसे मुझे यहाँ पे आईडी से नेम निकालना है तो ये कौन से नंबर पे है हम वो नंबर देंगे। जैसे कि आईडी वन है और नेम टू, तो हम टू देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नेम फैच कराना है, कॉमा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो दे देंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए, यहाँ पे 105 के लिए सोनिया, तो यहाँ पे देखिए 105 में सोनिया का नाम था, तो वो फैच होके आ गया है। तो हमारा एक पार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो नेम आ गया है वो नेम यहाँ पे भी है, तो अगर हम इस नेम से सैलरी को उठाएंगे तो इसके लिए हमें एक और वीलुकअप की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दूसरा वीलुकअप लगाते हैं। तो जहां पे इक्वल टू लिखा है वहां पे अपना कर्सर रखिए और एक बार फिर से वीलुकअप लिखिए, वीलुकअप और ब्रैकेट ओपन। तो देखिए, जो पहले वाला वीलुकअप था वो हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू बन चुका है। ठीक है, तो अब हम टेबल अरे से अपना स्टार्ट करेंगे डेटा लिखना। ये कॉमा डाल दिया। अब टेबल अरे, तो यहां पे हमें सैलरी फाइंड करनी है, तो हमारा डेटाबेस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब हम इस नेम से सैलरी को फेच कर रहे हैं, तो इसमें जो कौन से नंबर पे आएगा कॉलम वो काउंट कर लेते हैं। नेम वन है और सैलरी टू। ओके, तो टू टाइप कर दिया, कॉमा, और यहां पे लिख दिया जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, और मेरा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। दो वीलुकअप और यहां पे मारता हूं एंटर। तो देखिए, 105 आईडी थी सोनिया की, और सोनिया के लिए यहां पे सैलरी है 22,000। ऐसे कोई और आईडी देख लेते हैं, 102। तो देखिए, 102 में है संदीप, और संदीप की सैलरी है 25,000। तो देखिए, हमारा यहाँ पे वीलुकअप, डबल वीलुकअप दोनों हो गया है। अब हम इसे कुछ एडवांस करते हैं कि जो ये टू हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लोकेशन चाहिए हो तो मुझे यहाँ पे थ्री लिखना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, मैं थ्री लिखता हूँ तो आएगा, मगर अब हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे हम इस वाले सेल पे लोकेशन की जगह नेम रखें या सैलरी रखें तो वो ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाए। तो इसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। मैच क्या करता है, हमें ऊपर से मैच कराएगा और वो हमें फैच करा के उसी पोजीशन दे देगा। ठीक है, तो मैच फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैच लिखता हूँ मैं यहाँ पे,
ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी लोकेशन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा। अब ये हमें कहाँ पे मिलेगी, इस वाले में, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें मैच कराना है, ठीक है, और कॉमा, और फिर यहाँ पे जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बन और एंटर। तो देखिए अब पहले जो हमारी सैलरी आ रही थी अब उसकी जगह हमारे यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 103 को, तो देखिए गाजियाबाद 103 में, तो राहुल, राहुल की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद, ठीक है। और अब थोड़ा सा और एडवांस करते हैं फॉर्मूले को, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी आईडी टाइप करता हूँ जो कि इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे एन ए लिखा आ रहा है। अब एन ए दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए हम कोई एक मैसेज टाइप करवा देते हैं कि अगर वैल्यू ना मिले तो उसके लिए एक मैसेज आ जाए। तो अपने जहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा था उसके आगे एक इफ एरर फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर एरर है तो उसके लिए हम कुछ कमेंट लिखवाएं या कोई भी वैल्यू हम दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पूरी एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू फाइंड आई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो क्या मैसेज कराएंगे, मैं चाहता हूँ कि, और देखिए कोई भी मैसेज अगर आप टाइप कराते हैं तो उसको डबल कोट में लिखते हैं, तो मैंने डबल कोट लिख दिया है और उसमें मैं लिख देता हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए 100 की कोई आईडी नहीं है यहाँ पे, तो इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा गया, मैं आईडी में लिखता हूँ 105 तो डेली लिखा गया, और अगर मैं 108 लिखता हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीलुकअप से जुड़ी मेरी पुरानी वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, तो प्लीज़ इन्हें भी देखें और सीखें कि वीलुकअप कितनी तरीके से यूज होता है। सो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी।